महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के संबंध में जागरूकता और महिला सुरक्षा के संबंध में समाज में सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराने में पुरुषों का सहयोग सुनिश्चित करने हेतु शुरू हुए विशेष जागरूकता अभियान में हु अभिमन्यु का शुभारंभ किया। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक पीथमपुर तरुणन सिंह बघेल के नेतृत्व में दिनांक 12/6/2023 से 19/6/2023 तक जिला धार में आयोजन किया गया था, जिसके पालन में पुलिस थाना सागौर एवं इसके अंतर्गत आने वाली पुलिसों की दिग्थान क्षेत्र अंतर्गत उक्त अभियान के तहत अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें उपस्थित नागरिकों को महिला एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रति जागरूक कर महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 डायल 100 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में बताया गया। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। लगातार पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार और हमारे वरिष्ठ अधिकारी श्री मनोज कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक धार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एक अभियान जारी चल रहा है। अभियान का नाम है वेमियो अभिमन्यु। अभिमन्यु को कितने लोग जानते हैं? अभिमन्यु नाम सुना है? क्या सुना है बताइए, क्या है? यस, महाभारत के समय में आपने देखा होगा अभिमन्यु, अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले सारे लोगों के जो महायोद्धा थे उनके खिलाफ जानदार लड़ाई लड़ी और इतिहास में उसका नाम हो गया। आज मैं भी हूँ अभिमन्यु के माध्यम से हम पुलिस विभाग के पूरे पुलिस विभाग मध्य प्रदेश पुलिस और धार पुलिस सभी अभिमन्यु, मैं भी हूँ अभिमन्यु के रूप में आप लोगों की जनता की सेवा में आए हैं। और मैं भी अभिमन्यु, इसका मतलब ये है कि हम लोग महिलाओं के प्रति होने वाले हर अत्याचार और अपराधों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और मैं भी वो अभिमन्यु जिस तरह अभिमन्यु ने अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह हम महिलाओं के ऊपर अत्याचार होने वाले, महिलाओं का सम्मान नहीं करने वालों के विरुद्ध तो एक लड़ाई छेड़ेंगे। ये 12 जून से लेकर 19 जून तक का एक अभियान है, लेकिन ये अभियान सिर्फ इस तारीख तक का नहीं है, ये अभियान हमेशा के लिए। तो आप लोगों को इस बार संकल्प। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।